अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत से ठीक है, मज़े में माशाल्लाह। हम भी बिल्कुल ठीक हैं और मज़े में अल्हम्दुलिल्लाह। आज का जो हमारा व्लॉग है ना, एक वक्री जगह से स्टार्ट हो रहा है। जैसा कि देखें सब्ज़ी पॉइंट, यहाँ से लेते हैं सब्ज़ी। और क्योंकि मैं उधर से जैसे निकला फिर ऐसे ही चल दिया, कोई वीडियोज़ वगैरह खास नहीं बनाई है। तो अभी पहुँच चुके हैं सब्ज़ी वाले के पास, यहाँ से लेते हैं सब्ज़ी। और छोटे मोटे जो भी काम करने वाले हैं वो करते जाएँगे और आपके साथ भी शेयर करते जाएँगे। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल करें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। उसके बाद हम चले मज़ेदार वीडियो के जाने। लेट्स गो। इधर जनाब हम चेक करते हैं सब्ज़ी वगैरह कि आज हम क्या खाएंगे। यार ये माड़ू जिसे बोलते हैं वही है जी, चप्पन का जी। हाँ वही होता है, एक गोल में भी होता है जी जी। और नहीं ये नहीं, इसका और होता है वो गोल वाला माड़ू बोलते होते हैं, वही है ना। ये थोड़ी बहुत साइंस तरक्की करके ये ना इसको लंबा कर दिया। अच्छा जी, भिंडी भी है और ये भी, वैसे ये मेरा फेवरेट है। ऐसा करते हैं कि ये लेते हैं। इसका क्या रेट है? 120 रुपये एक किलो ये दे दें। और 50 का मसाला। और क्या था इसमें? आधा किलो अच्छे वाले जो नमकीन आलू होते हैं वो भी दे दो, आधा किलो। 50 का मसाला, एक किलो ये हो गया और आधा किलो आलू हो गया, सही है। मटर वगैरह भी आ चुके हैं व्यूअर, ये देखें। और फिलहाल ये होंगे कुछ ज़्यादा ही महंगे। और गाजर वगैरह भी अब फ्रेश फ्रेश आ चुकी है। मटर ज़्यादा महंगा है, ये नहीं खाते। गाजर एक खा रहा हूँ, खा लूँ? अच्छा ये हो गई जी। किधर है अच्छे वाली गाजर? हाँ ये सही है, ये गाजर खा लेते हैं। अभी भी गाजर में ना वो मिठास नहीं है, रस भरी नहीं है फल। कितने बन गया? 250 पूरा है तो नहीं मेरे पास, पूछते हैं दुकानदार से देता है कि नहीं। सर जी पैसे नहीं है, मसला नहीं, कल या परसों तक इंशाल्लाह फिर हो जाएगा। भाई आपको और चाहिए तो और मिल जाएंगे। नहीं असल में मैं उधार करता नहीं हूँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है। ठीक है जी, मेहरबानी। ये पैसे मैंने लिख दिए हैं आपके, 250 देने हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द दूंगा मोहिद्दीन रहन, ठीक है। और नंबर सेव करके ना उसको भेज दिया है ताकि कोई भूल चूक ना हो जाए। तो अब ऐसा करते हैं कि चलते हैं जनाब हम अपने और कामों के। कई बार जाते जाते ख्याल आया कि दूध वाली शॉप से दूध भी लेते चलते हैं, क्योंकि फिर वापस वकार अहमद को छुट्टी होती है ट्यूशन की बहुत लेट। आज उसका ट्यूशन है तो नहीं, लेकिन फिर भी मगरब के बाद बाद बच्चे को भेजना अच्छा नहीं होता। जब भी मेरा चक्कर लगता है मैं ले जाता हूँ, अभी भाई देर है। तो सब्ज़ी भी हो गई, दूध भी हो गया, तकरीबन बस यही ज़रूरत के आइटम है जो हमने ले लिया। दूध हो गया है पूरा 100 रुपये का, कल मिलते हैं पैसे, मतलब कल मिलेंगे। ओके बहुत मेहरबानी। चलिए जी, आज का दिन बगैर पैसों के ज़बरदस्त गुजर रहा है। नहीं सच में पहली बार ऐसा हो रहा है ना, बगैर पैसों के चीज़ें मिल रही हैं, कितना बंदे को खुशी होनी चाहिए, है ना। हाँ चलिए जी, चलते हैं आप घर वापस। ओके, दर्जी साहब इधर लगे हुए हैं और कपड़े वगैरह सिलाई हो रहे हैं, कपड़े भी आए हुए हैं, मतलब इधर शादी वाले भी कपड़े और साथ में और भी बस्ती वालों के, देखते हैं क्या बनते हैं। कौवे ने ना इधर बैठ बैठ के माहौल ही ख़राब किया हुआ है,
ये है जी हमारे मुल्क का कौवा और ये साथ में उसका बच्चा बैठा है, इसकी आवाज़ देख। वीवर ग्रेप फ्रूट माशाल्लाह आ चुके हैं, असल में हमारी आदत बन गई है, पहले भी मैं बता चुका हूँ ग्रेप फ्रूट, लेकिन ग्रेप फ्रूट अबू जान को दे रहे हैं क्योंकि ये शुगर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। वकार ले आओ जल्दी से प्लेट, हाँ धो के ले आओ, प्लेट धोने जा रहा है, तब तक हम इसकी कटवट करते हैं और इसमें जो कचरा निकलता है वो ज़्यादा होता है, जो फ्रूट निकलता है वो बहुत कम होता है, फिर भी करना तो है। कई बार ग्रेट फ्रूट खाने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि ये देखें, ये मैंने ऊपर से काट दिया, ये देखें इधर, इसको ऊपर से काट के ना इसके जो बीच वगैरह हैं ये ऐसे निकल जाते हैं बिल्कुल ईजीली, ये देखें, और जैसे ये निकल जाते हैं फिर इसको ओपन किया जाता है, इसको अभी अबू जान ओपन करेंगे, ये ले, ये इसकी एक साइड ना ऐसे उतार ली जाती है, ये ऐसे सही, और इसके बाद दूसरा भी इधर से उतारा करें ना, इधर से हाँ ऐसे, ये ऐसे उतार के ना फिर इसमें से हम इसको बोलते हैं चावल, ओनली चावल, जैसे ये है ये वाले, ये इसमें कोई भी वो चीज़ नहीं है दूसरी, इसका ज़रा सा छिलका भी नहीं है और ये बिल्कुल कड़वा भी नहीं लगता, क्योंकि ऐसे खाने में ना ये बहुत कड़वा होता है, जब इस तरीके से खाएंगे तो फिर कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं होगी। वीवर चेक करें, दो फ्रूट हमने खाए हैं और उनका जो फल था वो तो खैर थोड़ा सा था, लेकिन अब उनका कचरा चेक करें, इसके बीज चेक करें, ये बीज हैं और ये उसकी हो गई है अपना, क्या बोलते हैं इसे, चिल्ली हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं, और इसको बोलते हैं ऊपर वाली खल, ऊपर वाला क्या बोलते हैं पता नहीं, मैं अभी बोल रहा हूँ मेरा जहन काम नहीं कर रहा, चले खैर जो भी है छिलके तो ये छिलके हो गए और सारा मटेरियल हो गया, और अब ऐसा करते हैं इसको इस प्लेट में रख के लेके जाते हैं बाहर। ओके उस सरदार क्या कर रहे हो, हैं इधर देख, मेरा सारे कमरे का कलर उतार रहे हो, वाह जी वाह जबरदस्त, ओके बाय बाय, इधर देख, बाय बाय। वीवर मैं, ये मेरा है दोहतरा और मैं इसका नाना, अब नाना बन गया हूँ माशाल्लाह। वीवर शाम का टाइम हो गया है और अभी चलते हैं थोड़ा सा दिल को ना वो करते हैं हैप्पी, क्योंकि शाम का जो छत के ऊपर खड़े होकर मनाजर नज़र आते हैं वो अलग ही सुकून देते हैं दिलो दिमाग को। अभी चलते हैं और देखते हैं कि क्या वो सुकून हमें मैसर आता है या नहीं आता। सूरज ढलने वाला है, इस तरह की कुछ लाइट्स दे रहा है अभी, अब चढ़ेंगे छत पे और वहाँ से देखेंगे नज़ारा। ओके अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज क्या पका रहे हो? गाजर, कद्दू, गोभी। गोभी, गोभी, गाजर, कद्दू, गोभी, गोभी, ये चीज खाते हैं हम, ये फेवरेट होती है। चलो सही हो गया। ओके बेस्ट ऑफ लक। वीवर छत पे आ चुके हैं माशाल्लाह और ये कुछ विलेज का माहौल है। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि छत पे खड़े होने से एक साइड पे तो शहर नज़र आता है और दूसरी साइड पे मुकम्मल विलेज नज़र आता है, और इस टाइम सूरज ये जा रहा है वो देखें। अब ये पता नहीं इसका वो गोल गोल क्यों नहीं हो रहा, हाँ ये हो गया है गोल गोल, ठीक है ये कुछ नज़ारा है जी। और परिंदा देखें जा रहा है, दो तीन जा रहे हैं, हर कोई अपने घर वापस खुराक वगैरह लेके वापस जा रहा है, वो देखें ये भी आ रहे हैं। अब ये जब सूरज के पास से गुजरेंगे तो क्या नज़ारा होगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जा रहे हैं, ये छुप रहे हैं, ये बिल्कुल सूरज के ऊपर से ये गुजर गए, वाह जी वाह क्या सीन था, है ना।
तो ये है जी कुछ नज़ारा सेकेंड टाइम का। और अगर वॉक करना हो तो इसी टाइम बड़ा ही बेस्ट होता है, इस जगह पे चले जाएं। वैसे फसलों के साथ साथ फिर घूमते घुमाते बाई रोड पे रेलवे के साथ साथ वापस, इस तरह का नज़ारा जो होता है बड़ा प्यारा होता है। खैर अभी हम चलते हैं नीचे, बल्कि थोड़ा सा इधर इंजॉय करेंगे, इंजॉय करने के बाद वापस चले जाएंगे। सही हो गया। जब बड़े आ जाए ना तो छोटों को कोई भी नहीं पूछता। अब ये बड़े पैनल देख लें और साथ में ये छोटा देख लें, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। ये पड़ा हुआ है बेचारा ऐसे ही, तो ये ऐसे पड़ा पड़ा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इन बड़ों ने ना घर को संभाल लिया है। इसलिए कहते हैं कि जब तक बड़ा नहीं है छोटों का राज है, जब बड़े आ जाएंगे छोटे ख़त्म। सूरज की लाइट अभी भी पड़ रही है थोड़ी थोड़ी करके, ये सामने पड़ती है ना, ये देखें इस वजह से। ये दूसरी साइड है जी जहाँ पर ये देखें सिटी नज़र आता है आपको, ये इधर चौक हो गया, इमारतें वगैरह हो गई। ये देखें ये इस साइड पे कुछ यूं नज़ारे होते हैं, ये देखें। और कबूतर वगैरह भी उड़ रहे हैं, मस्जिदें नज़र आ रही हैं, और ये ऐशा फ्लोर मेल नज़र आ रही है। सही, इसके पास ही बड़ी रोड है, रोड। तो ये नज़ारा सारा आपको कैसा लगा आपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है। और साथ में अल्लाह पाक से दुआ है कि ढलते सूरज की तरह आप सबकी परेशानियां भी ऐसे ढल जाएं और एक नई सुबह का आगाज़ हो जिसमें आपकी लाइफ खुशियों भरी हो और आपको हर परेशानी हर टेंशन से दूर कर दे मेरे रब, और आप सबको हमेशा खुश रखे, हंसते और मुस्कुराते रहें हमेशा फूलों की तरह। ठीक है, तो दुआ दिया करें, दुआ लिया करें, अल्लाह पाक करम करेगा इंशाल्लाह। और साथ में वो जैसे आप पढ़ने जाए ना स्कूल में कॉलेज में, कोई मतलब बायोलॉजी का है, कोई साइंस का है, कोई डॉक्टर के शोबे में जाना चाहता है, तो पढ़ाई के साथ साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उसका प्रैक्टिकल, उसको उसकी प्रैक्टिस, उसको करके देखना, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इस वजह से दुआ के साथ साथ अमल भी जारी रखा करें, और अमलन जो काम होता है वो सबसे बेस्ट होता है, और जो अकेला दुआ पे छोड़ दिया जाए तो उसकी ख़ास वैल्यू नहीं रहती है। वो यूँ समझें कि किसी ने किताबें तो पढ़ ली लेकिन प्रैक्टिकल वो काम करके नहीं देखा, वो तो वही मिसाल बन जाती है। इस वजह से दुआ साथ में और अमली काम जैसे नमाज हो गया, रोज़ा हो गया, हज हो गया, ज़कात हो गया, ये जिन जिन चीज़ की, अब नमाज तो बिल्कुल फ्री है और साथ में रोज़ा भी बिल्कुल फ्री है, और बाकी हज हो गया वो हसब तौफीक, जिनकी तौफीक होती है वो जाते हैं, हसब इताअत जाते हैं, तो अब ज़कात है वो भी जिनका है वो देते हैं, जिनके पास नहीं है वो नहीं देते हैं। तो दो चीज़ें सबसे अहम हैं, और वो नमाज़ है, रोज़ा है, ये तो बिल्कुल फ्री हैं, ये अमलन काम होते हैं जो हमें सर अंजाम देने पड़ते हैं। सही, बाकी दुआ के साथ ज़रूर याद रखिएगा, मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद। ओके व्यूअर, गए थे दूध लेने, माशाल्लाह दूध ले आए हैं, और ये भी साथ में था। फाइट हो रही है, चला रहे हो? हाँ फुल बस। और आपको प्यास भी लग गई, क्योंकि अबू जान खाना खाते हैं दूध के साथ। खाना खा लिया? क्या पकाया है? चलें जी माशाल्लाह, अभी दूध के साथ मुझे लगता है नहीं खाएंगे, दूध ही पी लें फिर। तुसे क्या सारा पता? माड़ू, वो दवाई दे दी थी टेबलेट। चलो सही हो गया, सालन चाहिए तो ले जाइएगा, बकार आ जाओ। चलते हैं व्यूअर घर, और तकरीबन हमारा खाना भी रेडी हो चुका होगा और आपके साथ भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह, हम भी खाएंगे, बल्कि अभी थपड़प हो रही है, मतलब के अभी खाना पक रहा है, जैसे ही पकता है फिर हम खाएंगे। ओके वाह यार वाह,
मालों ने वो रंग दिखाया है ना, यकीन करें बड़ा ज़बरदस्त। देख के मुंह में पानी आ रहा है। हम प्योर देसी खुराक खाते हैं, शायद आपको लग रहा होगा कि ये अजीब तरह का है, ये है वो है, लेकिन आए ना कभी फिर खा के देखें इसका टेस्ट कैसा होता है, बड़ा लाजवाब होता है। फैले वीवर खाना आ चुका है हमारे पास, और आज का मज़ेदार खाना शुरू करने से पहले आप सबको बोलता हूँ कि आ जाओ बिस्मिल्लाह पढ़ के हम खाना खाएंगे, अल्लाह पाक ने चाहा तो बरकत भी होगी और साथ में तेरी खैर। आ गए हो, आपने भी खाना है? हाँ जी। क्या वजह, आपकी मम्मी बोलती है कि वो खाना नहीं खाता, खाते हो ना? और वीवर सिद्दीक सो रहा है, मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा हिलचुल रहा है, अगर वो अभी उठ गया तो सही है, पेरेंट थोड़ी देर बाद सो जाएगा। लेकिन सिद्दीक आ जाओ, उठ गया, शुक्र है, आ जाओ खाना खाते हैं। हाँ आ जाओ खाना खाते हैं। आज हमने बनाया है माड़ू, आ जाओ आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, बैठो आप। तो वीवर वो भी आ रहा है माशाल्लाह, और 3 बजे का सोया और अभी उठा है, ये आ रहा है। ओ तेरी खैर, हो गए, वाह जी वाह, मेरे बेटे को खाना दो यार, उसको भूख लगी हुई है। सिद्दीक ओ वकार, अब बिस्मिल्लाह पढ़ो और शुरू करो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वीवर जल्दी जल्दी पहुंच जाओ, खाना खाते हैं, उसके बाद फिर मुलाकात करते हैं आपसे खाना खाने के बाद, क्योंकि खाते टाइम हम बातचीत नहीं किया करते। वीवर आज का जो व्लॉग है इसका भी यहीं पे एंड कर रहे हैं, और मुझे नहीं पता कि आपको वीडियो कैसी लगी है, लेकिन मैं अगर ज़ाती तौर पे अपनी राय का इजहार करूं तो आज का जो मेरा व्लॉग है बिल्कुल ना देखने के बराबर है। एक तो एक्टिविटी भी नहीं थी, और दूसरा ये था कि मैंने पास टाइम में भी वीडियो नहीं बनाई, थोड़ी थी परेशानी, और इंशाल्लाह कल तक फिर एक्टिविटी आ जाएगी, दुआ कीजिएगा। आज मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं, कैसे एक्टिविटी के साथ बात करूं, मतलब अजीब अजीब सा फील हो रहा था, जैसे सर भारी हुआ पड़ा। तो इस वजह से माजरत करता हूं कि मैं शायद के हैप्पी व्लॉग नहीं बना सका आपके लिए। कोशिश की है कि हैप्पी बनाऊं, लेकिन अगर नहीं बन सका तो माजरत, इंशाल्लाह नेक्स्ट हैप्पी व्लॉग आएगा, और हैप्पी बातें होंगी, और हैप्पी टॉपिक्स होंगे हमारे इंशाल्लाह। तो आज के व्लॉग के बारे में ज़रूर आगाह कीजिएगा। कभी कभार ऐसा हो जाता है इंसान की ज़िंदगी में कि थोड़ा वो डिप्रेशन में होता है, तो उसके बाद फिर काफ़ी दिन ऐसे ही ईजी गुजर जाते हैं। बहरहाल हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह, और चलते हैं अपने मतलब दूसरे कामों की जानिब, और अभी मुझे दे इजाज़त, रखिएगा दुआ में याद, मिलेंगे नेक्स्ट, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।